हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अरहान एंटरटेनमेंट। तो यार, अब तक आप लोगों ने थंबनेल देखकर तो समझ चुके होंगे कि हम लोग बात करेंगे यहाँ पर लव, डेथ एंड रोबोट्स। हालांकि इस पर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ 2019 में, लेकिन आज हम लोग बात करेंगे 2021 में फिर से, क्योंकि सीजन 2 की एक अपडेट निकल कर आई है। और अपडेट क्या, मैंने सीजन 2 का ट्रेलर भी देखा है, जो कि आप लोग शायद ही नहीं देख पाए होंगे क्योंकि थोड़ी देर के लिए ये लीक हुआ था रेडिट पर और अब ये कॉपीराइट मतलब वहां से गायब हो चुका है। लेकिन मैंने उसके स्क्रीनशॉट मारे, जो कि आप लोग यहां पर देख सकते हो। और ट्रेलर देखकर मैं आपको इतना ही कह सकता हूँ कि यार बवाल, अंगार, फाड़ू, यार जो आपके पास वर्ड्स है वो सारे के सारे आप लोग यूज कर लेना। और अगर आप लोग लव, डेथ एंड रोबोट सीजन 1 के बहुत बड़े फैन हो, तो फिर आपके लिए तो भाई सीजन 2 डेफिनेटली एक अलग लेवल का आने वाला है। लेकिन यहां पर मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि जिन लोगों ने सीजन 1 नहीं देखा है, तो उनके लिए एक ही चीज है कि भाई सीजन 1 में आपको टोटल 18 एपिसोड देखने को मिलते हैं, जो कि हर एक एपिसोड 5 मिनट से लेकर 17 मिनट्स के बीच में ये। और इन सारे एपिसोड्स में आपको अलग अलग स्टोरीज देखने को मिलेगी, और हर एक स्टोरी की शुरुआत अलग है और उसकी एंडिंग अलग है। और कुछ स्टोरीज तो ऐसी जो आपको पूरी तरह से सोचने पर मजबूर कर देगी। लेकिन ये आप लोग एनिमेशन वर्ड सुनने के बाद बहुत सारे लोगों के माइंड में आता है कि ये तो बच्चे लोगों के लिए, तो मैं उन लोगों का जो एक डाउट है वो क्लियर कर दूं कि भाई ये कहीं से भी बच्चे लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सेक्स है, वॉयलेंस है, न्यूडिटी है, यानी कि वो सारी चीजें जो 18+ के शोज में होती है, तो ये चीज आप ध्यान में रखना। उसके अलावा यहाँ पर आपको लाइव एक्शन स्टोरी भी देखने को मिलेगी, और कुछ तो ऐसी स्टोरीज है जिसमें लाइव एक्शन और एनिमेशन इन दोनों का फर्क समझना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप पूरे 18 एपिसोड्स नहीं देख सकते हो, तो मैं आपको कुछ मेरे फेवरेट बताता हूँ जो आप लोग सबसे पहले देखना, उसके बाद फिर जो बचे हुए थोड़े बहुत ही बचते हैं, क्योंकि मुझे ऑलमोस्ट सारे अच्छे लगे, लेकिन फिर मैं आप लोगों के लिए कुछ बेस्ट बताया था, जैसे कि जीमास ब्लू सूट्स, हेल्पिंग हैंड, गुड हंटिंग, थ्री रोबोट्स, बियॉन्ड एक्विलर रिफ्ट, ब्लाइंड स्पॉट, सोनिस एच, लकी 13, और एक योगर्ट यानी कि दही वाला एपिसोड है। साला दही दुनिया पर राज कर सकती है क्या, कैन यू इमेजिन दिस। आइस एज, सकर सोल, शेफ शिफ्टर, द डम, ये मेरे कुछ फेवरेट एपिसोड्स है जो आप लोग मिस मत करना। उसके बाद जो दूसरे एपिसोड्स है वो भी अच्छे हैं, लेकिन वो मुझे इतने अच्छे नहीं लगे, लेकिन ये जो मैं आपको नाम बताते ये तो जरूर चेकआउट करना। उसके अलावा लव, डेथ एंड रोबोट्स को बनाया है टीम मिलर, जिन्होंने डेडपूल मूवी को डायरेक्ट कर चुके। उसके अलावा डेविड फिंचर, जिनके मूवीज बनाने का जो स्टाइल है वो ऑल टुगेदर बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। और अगर आप लोगों ने डेविड फिंचर की मूवीज देखे हो, तो आप लोग एक अंदाजा लगा सकते हो कि किस लेवल के वो डायरेक्टर है। और जब आप लोग इस पर्टिकुलर शो को देखते हो, तो आप बस एक ही चीज कह सकते हो कि भाई जो विजन से वो लोग ने इस पूरे शो को बनाया ना, वो अपने आप में बहुत ही ज्यादा गजब है। और हर एक स्टोरी यहाँ पर एक दूसरे से बहुत डिफरेंट है, कुछ आपको शॉक करती है, कुछ आपको सीखने पर मजबूर करती है। फॉर एग्जाम्पल द डम, उसमें जो ग्लोबल वार्मिंग के रिलेटेड जो चीजें बताई है, मतलब क्या ही बोलूं यार, इमेजिनेशन अपने आप में, और उस इमेजिनेशन को स्क्रीन पर उतारना, और वो आपके अंदर एक डर कि आने वाले कल में हमारे साथ क्या हो सकता है, या हमने क्या ऐसी गलती की जिस वजह से हम लोग आगे क्या चीजें फेस कर सकते हैं, तो उसको 5 मिनट, 7 मिनट और 10 मिनट में बताना और अपने अंदर एक डर बिठाना ऑडियंस के अंदर, वो बहुत ही बड़ी बात होती है। और यहाँ पर बहुत सारी ऐसी स्टोरीज है जो आपको बहुत कुछ कह डालेगी सटायर वे में, जो बहुत ही यूनिक बात है इस पूरे शो की। उसके अलावा अगर 18+ कंटेंट की बात करें, तो यार यहाँ पर दबा के डाले गए, जो कि स्क्रीन पर देखने में तो अच्छे लगते हैं, लेकिन उतने ही आपके रोंगटे भी खड़े करते हैं। ऐसे ऐसे ब्लड शेड वाले सीन से जो मतलब क्या बोलूं यार, जैसे कि गुड हंटिंग हो गया और एक सकर्स ऑफ सोल, वो जब एपिसोड की शुरुआत हुई थी तो मुझे नहीं पता था कि ये एपिसोड इस तरह से एंड होगा, लेकिन यार अनइमेजिनेबल है। मैं बोलूंगा लव, डेथ एंड रोबोट्स के सारे एपिसोड्स, और मैंने कल रात को दोबारा से देखा, इसीलिए आपका ज्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया 5 से 18 मिनट के बीच में ये, और ये हिंदी में है, जो सबसे अच्छी बात है। IMDb पे इसको 8.5 out of 10 की रेटिंग मिली है, लेकिन मैं अगर अपना ओपिनियन बताऊं तो इसको मैं डेफिनेटली 9.5 out of 10 दूंगा। 0.5 इसीलिए काट रहा हूं क्योंकि कुछ एपिसोड है जो मुझे इतने ज्यादा अच्छे नहीं लगे। फॉर एग्जाम्पल द विटनेस, वो एपिसोड में जो चीजें बताई काफी प्रेडिक्टेबल था, और मुझे पता था कि भाई एंड में इसके वही सारी चीजें होगी, और वो मुझे इतना अपीलिंग नहीं लगा। हालांकि उस एपिसोड में विजुअली काफी कुछ चीजें थी जो मतलब हिलाकर रख देगी आपको, लेकिन फिर भी वो मुझे एपिसोड्स नॉट बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशन लगा, तो इसीलिए मैं इसके माइनस पॉइंट काट रहा हूं, जो कि कोई बड़ी बात नहीं है। और हाँ भाई, लास्टली सीजन 2 रिलीज कब होगा, तो यार ट्रेलर में जो लीक ट्रेलर था उसमें इसकी रिलीज डेट नहीं थी, लेकिन ट्रेलर देखकर मैं आपको इतना कह सकता कि भाई ये विदिन, अभी अप्रैल चल रहा है, तो विद इन 2 मंथ्स यानी कि मई या जून डेफिनेटली आपको नेटफ्लिक्स पे देखने मिलेगा। और
पॉसिबल ये है कि जैसे सीजन वन में 18 एपिसोड थे तो सीजन टू में भी 18 ही एपिसोड होंगे, और हाँ वो भी हिंदी में ही आपको देखने को मिलेगा। बस इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक करो। ज्यादा अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर भी कर देना। अगर आप लोग उन ऑडियंस में से एक हो जिन्होंने लव दैट एंड रोबोट्स सीजन वन देखा है तो यार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको कैसा लगा था और आपको क्या कुछ चीजें वहां पर सरप्राइजिंग लगी थी, क्या कुछ चीजें कैरी लगी थी और देखकर आपको क्या फील हुआ था। नेक्स्ट वीडियो में देन बाय।